हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम टेल ऑफ इमॉर्टल्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा हुआ होता है कि जो लंजा है वो वेंग का अंकल आंट यानी कि मैडम यो और जियांग फैनमिया से मिल चुका होता है। वो जो होते हैं ना, मतलब वेंग के अपने अंकल आंट नहीं हैं, पर जो होते हैं ना, अपने उससे कम भी नहीं है, मतलब उसके फैमिली की तरह ही हैं। और जब उस वेंग जब लंजा देखता है कि उसके मतलब फैमिली ने बहुत अच्छे से उसे एक्सेप्ट किया है ना, तो लंजा के मन में जो बच्ची कुची भी एक एक होता है ना कि उसने कोई डिसीजन लिया है, कहीं उसके वजह से वेंग के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, वो सारा जो प्रॉब्लम या डर है ना, वो सारा दूर हो जाता है। और उसके बाद जो होता है ना, वीकेंड होता है, तो उन्होंने अपना वीकेंड जो है ना, वेंग और लंजा ने बस घर के अंदर ही एक दूसरे से कडल करते हुए, लव मेकिंग करते हुए और मतलब मूवी टीवी वगैरह देखते हुए बहुत स्वीट तरीके से होता है ना अपना काटा होता है वीकेंड को। अब जो है ना, आज मंडे का दिन है और जो वेइंग है ना, वो सुबह सुबह ही चला गया है क्योंकि उसका मीटिंग था बहुत अर्जेंट, है ना। वो तो उठना नहीं चाहता था, पर इतनी बार उसके सेक्रेटरी का कॉल आ गया था ना कि सर आप आ रहे हो ना, आप आ रहे हो, क्योंकि मतलब होता है ना फॉरेन डेलीगेट्स थे, उसको मीटिंग बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मतलब वेंग देखता है कि सुबह लंजा सोया ही हुआ है, तो उसको उठाता नहीं है। वो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाता है और एक नोट रख के चला जाता है कि तुम्हारा जब आज मीटिंग है, कैफ़े में जाओगे तो ये लॉयर का नंबर है, इनसे तुम कांटेक्ट कर लेना, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो अपने सेक्रेटरी का नंबर भी दे दिया होता है कि अगर मेरा कॉल नहीं लगता है, मैं उठा नहीं पाता हूँ, तो तुम उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना प्रॉब्लम बता देना, मैं तुरंत ही मतलब होता है ना मुझे मैसेज कन्वे हो जाएगा। इसलिए सुबह जब लंजा उठता है, वेंग को पहले अपने पास नहीं पाता है, तो थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगता है, पर फिर उसे याद आ जाता है कि आज मंडे है और वेंग ने बताया था कि उसका मीटिंग वगैरह भी है, तो मतलब वो समझ जाता है। फिर वो मतलब फ्रेश वगैरह होता है, जब नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है तो उसे ऑलरेडी पता ही होता है, क्योंकि इतने दिनों से ना जो वेंग है वो ऑलरेडी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, यहाँ तक कि रूम में ब्रेकफास्ट लेके आ जाता है। तो लंजा होता है ना, स्वीट से गुनगुनाते हुए जाता है और जाके ब्रेकफास्ट करता है, और ब्रेकफास्ट करता है तो उसके पास में रखा हुआ नोट भी दिखता है, तो वो उन फ़ोन नंबर्स को सेव करता है और देखता है कि बस 9 ही बज रहे हैं, अभी टाइम बाकी है जो उसके कैफ़े जाने का है। तो वो वहाँ पर बैठ के मतलब टीवी वगैरह देख रहा होता है। जब टीवी देख ही रहा होता है ना, थोड़े समय बाद ही उसके गगा यानी कि लान हुआन गगा जो है उसका फ़ोन आ जाता है, उसके कज़िन है वो, उसका फ़ोन आ जाता है और बोलते हैं कि वेंग कहाँ हो तुम, मतलब लंजा कहाँ पे हो तुम। तो मतलब जो लंजा होता है ना, वो बोलते हैं गगा क्या हो गया, तो बोल रहे हैं कि मैं मतलब तुम्हारे घर के सामने आया था, बहुत समय बेल बजाया, मतलब होता है ना कि तुम्हारा कॉल किसी ने उठाया भी नहीं, और मतलब जो घर के स्टाफ मेंबर्स हैं जो भी हैं उन्होंने बताया कि तुम आए नहीं हो दो कि काफ़ी दिनों से, तो कहाँ पे हो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब कहीं गए हो आउटिंग वगैरह पे, क्या हुआ है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद तुमसे मुझसे मिले भी नहीं हो और कुछ मतलब तुम्हारे से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब जो है ना, लंजा को याद आता है कि उसने मतलब वेंग के फैमिली को तो बहुत लोगों को बता दिया है, पर अब उसको अपनी फैमिली से भी तो डील करना पड़ेगा, और प्लस जो ये लान हुआन गगा हैं वो मतलब उसके साथ जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। जो लान हुआन या लान जयचन है ना, वो उसके अपने कज़िन नहीं, अपने मतलब नहीं हैं, और कज़िन भी अब तो बोल सकते हैं नहीं हैं। जब उसको वेंग लंजा को सारी मतलब होता है ना सच्चाई पता है, फिर भी उसे लगता है कि मतलब एक प्यार जो किसी से कोई करता है तो वो डिज़र्व करता है उसके बारे में सब कुछ जानना। तो बोलता है गगा मुझे आपसे एक बात करनी थी, आप कहाँ पे हो अभी। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मतलब होता ना उनसे बात हो गया तो मैं तुम्हारा कॉल कर रहा था, तुम्हारा नेटवर्क नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा तुम कहीं गए होगे, तो इसलिए मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, कहाँ पे हो, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है बताओ मुझे। तो जो लंजा होता ना वो हंसता है, हंस के बोलता है गगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक अच्छी न्यूज़ है। तो जो लानहान होते पूछते हैं क्या हो, क्या अच्छी न्यूज़ है, तो बोलता है कि मैं ना मैंने वो सर्टिफिकेट ले लिया है। तो लानवा बोलते हैं कि सर्टिफिकेट ले लिया, कौन सा सर्टिफिकेट ले लिया है। तो वो बोलता है कि गगा मुझे आपसे मिल के बातें करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं होगा, आप फ्री हो क्या। तो वो बोलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, कहाँ पे हो बताओ, मैं आता हूँ या तुम घर आ जाओ। तो बोलता है गगा मैं घर तो नहीं आ पाऊँगा, तो आप एक कैफ़े का नाम बताता है, बोलता है गगा आप उस कैफ़े में आ सकते हो क्या मिलने मुझसे। तो लानवा बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, कितने बजे आना है। तो बोलता है गगा ठीक है आप कब तक पहुंच जाओगे। तो लानवान बोलता है कि मैं 10:30 तक पहुंच जाऊंगा अगर तुम आ पाओ। तो वो बोलता है गगा ठीक है मैं आ रहा हूँ, बोल के वो फ़ोन रख देता है। और अभी जो है ना मतलब फ़ोन रख के वो तैयार होता है और होके मतलब वो ड्राइव करके बाहर जा रहा होता है। आज जो है ना वेंग ने अपना कार जो है ऑलरेडी छोड़ रखा होता है, उसको सेक्रेटरी को बोल के वो उसने दूसरी कार मंगा ली होती है, उसमें वो जा रहा होता है, चला गया होता है।
अब जब लंजा जो है गाड़ी ड्राइव करके जा रहा होता, सोच रहा होता है कि मैं कैसे अपने गगा को बताऊं कहाँ से शुरुआत करूं। उसे थोड़ा डर भी लग रहा होता है, पर उसे पता है कि उसके गगा जो है वो उसको एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे। जब लंजा अपने कैफ़े में आता है ना, तो वो मतलब जाके पहले खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करता है, वो जाता है और मतलब अंदर ऐसे रेगुलर कस्टमर की तरह घुसता है। तो देखता है कि जो मैनेजर हैं, जो डोर कीपर, उन्होंने डोर बहुत अच्छे से खोला होता है, मैनेजर ने भी उन्हें ग्रीट किया होता है और उनको सीट दिखाया होता है, और जाके वहाँ बैठते हैं। तो एक वेटर है, पानी वगैरह लेके आता है और उनसे उनका ऑर्डर लेता है। तब जो है ना लंजा पूछता है कि आपके वहाँ पे सबसे बेस्ट डिश क्या है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे ट्राई करना है। तो जो जो वेटर होता है ना, बहुत एंथुस्टिकली बताता है कि मतलब उनके यहाँ पे सिग्नेचर डिशेस क्या है, काफ़ी सारे डिशेस का नाम बताता है। तो जो वेइंग है ना, सॉरी लंजा जो है ना, वो उनमें से काफ़ी सारे डिशेस चूज़ करता है, सारे एक एक प्लेट चूज़ करता है और साथ में 2 कॉफ़ी का भी ऑर्डर देता है। और मतलब कॉफ़ी भी है ना, काफ़ी 10 मिनट के अंदर ही वापस कॉफ़ी मतलब ऑर्डर डिलीवर हो जाती है। और उसके बाद जाके ना वो वेट कर रहा होता है कि लन जैसन आएंगे, तब तक ऑब्जर्व भी कर रहा होता है साथ चारों तरफ से क्या मतलब चीज़ें चल रही हैं, उसे क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जो लंजा है ना, वो ऑब्ज़र्व करता है कि मतलब जो आसपास के एम्बियंस से बहुत अच्छा है, स्टाफ्स का भी उसको अब तक का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा है। फूड का पता नहीं है, पर मतलब उसको स्टाफ्स का बिहेवियर अच्छा लगा है। पर उसे लग रहा होता है ना कि जो कैफ़े है ना, थोड़ा सा डल डल सा है, मतलब उसको थोड़ा सा और मतलब होता है ना, एक क्या बोलते हैं, एक रोमांटिज्म की ज़रूरत है, एक थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया जाए ताकि लोग थोड़ा सा मतलब रोमांटिक एम्बियंस भी मिले उनको, कंफर्टेबल कोजी से एम्बियंस मिले। तो वो अपने मन में नोट कर रहा होता है कि वो उसे क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी होंगी। उसे ज़्यादा समय वेट नहीं करना पड़ता, 10-15 मिनट ही हुए होते हैं, तब तक ना लन वन है यानी कि लन जैचन है, वो ऑलरेडी आ गए होते हैं। वो अंदर आते हैं और आके मतलब विंग को स्पॉट कर लेते हैं कि विंग जो है ना, वो ऑलरेडी ऐसे मतलब बहुत ही अच्छे जगह में बैठा होता है जहाँ से उसको सब कुछ दिखे। तो वो आते हैं और उसे ग्रीट करके बोलते हैं कि भाई कहाँ हो तुम दिखे नहीं मुझे ग्रेजुएशन के बाद से, और मुझे फ़ोन भी नहीं किया। तभी जो है ना जो लंजा है वो बोलता है, गगो आप कैसे हो, पहले बताओ, पानी पियो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो लंजा जचन होते हैं, बैठते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, रिलैक्स होते हैं। फिर बोलते हैं कि लंजा तुम कहाँ हो, तुम्हारे घर में नहीं हो, मैंने सुना तुम कहीं बाहर गए थे क्या कहीं पे। तो बोलते हैं कि नहीं गगो, मुझे आपसे कुछ बोलना है, आप थोड़ा शांत हो जाओ और मेरी बात को सुनना। तो लंच अचन होता है ना, वो ऑलरेडी नेचर से ही कूल पर्सन होते हैं, वो शांत ही रहते हैं। फिर उनको वेंग जो लंजा जो है ना, वो बताना शुरू करता है कि गगो आप वेंग को जानते हो। तो लंजा बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारा फ्रेंड था ना बचपन में और तुम्हारे घर के नेबर में रहता है। तो बोलता है कि हाँ गगो वही, मैं उसे लाइक करता हूँ। तो बोलता है अच्छा, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा तुम लोग अभी कांटेक्ट में नहीं हो, तो क्या हुआ। तो बोले गगा मतलब वो भी मुझे लाइक करता है, तो कुछ दिन पहले मुझे उसने प्रपोज़ किया था और मतलब मैंने उससे एक्सेप्ट कर लिया। तो लन जैसन बोलते हैं अरे ये तो बहुत ही प्लीजेंट सरप्राइज़ है, वो लड़का मतलब मुझे बचपन से ही लगता था कि वो लड़का बहुत क्यूट है और वो तुम्हारे लिए थोड़ा स्पेशल फीलिंग्स लगता है, फिर तुम लोग अलग हो गए तो मुझे लगा शायद तुम दोनों मूव ऑन कर चुके हो, पर ये तो अच्छी न्यूज़ है, तो तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो बोलते हैं गगा हाँ मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और मैंने सर्टिफिकेट भी ले लिया है। तब जो लन होता है बोलते हैं सर्टिफिकेट भी ले लिया क्या मतलब है। तब जो है ना लंजा अपना मतलब होता है ना, अपने बालों को थोड़ा पीछे से सहलाते हुए बोलता है, डरते डरते थोड़ा सा बोलता है कि गगा हम लोगों ने ना कोर्ट में जाके अपना मैरिज को रजिस्टर कर लिया है। अब जो होता है ना लन जयचंद बिल्कुल सरप्राइज जाते हैं, वो बोलते हैं क्या क्या बोल रहे हो, मैरिज रजिस्टर करिए, तुम जानते ही कितना हो एक दूसरे को, और मुझे लग नहीं रहा है कि तुम लोग एक दूसरे को मतलब इतना कांटेक्ट में थे, अभी तो काफ़ी मतलब होता ना एक टाइम हो गया, तो मतलब ये सब कैसे अचानक से। तो जो वेइंग होता है ना, जो लंजा होता है ना, थोड़ा सा झूठ बोलता है एक्चुअली में। उसने जो पहली बात ही बोली होती कि उसने प्रपोज़ किया हो, तो वो खुद नहीं बोलता है कि वो उसने प्रपोज़ किया है, वो क्या मतलब बताएगा, क्योंकि उसके गगा उसे बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कैसा पर्सनैलिटी का पर्सन है। तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे अचानक से कोई पसंद आया, या फिर उसे कोई पसंद होता तो वो अपने गगा से ज़रूर बताता। वो लोग मतलब एक दूसरे से ना सारी बातें लगभग शेयर करते हैं, तो मतलब वो बोल नहीं सकता इसीलिए वो मतलब ऐसे बहाना बनाता है। और उसी चीज़ को ना वो मतलब होता ना बता नहीं सकता अपने रीबर्थ के बारे में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बता नहीं सकता, इसीलिए वो मतलब झूठ यहाँ पे बोलता है। वो बोलता है गगा मतलब वेंग मुझसे काफ़ी दिनों से मतलब कांटेक्ट में है, ऐसी बात नहीं है हम कांटेक्ट में नहीं है, मतलब इतना नहीं थे, पर उसने जब मुझे प्रपोज़ किया मुझे वो खुद भी अच्छा लगा, तो मतलब क्यूट सा पर्सन है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया।
और फिर हमारे बीच में वैसा कुछ हो गया तो हमको अपना मैरिज रजिस्टर करना पड़ा। तो जलान चेचे ना वो थोड़ा समझ जाते हैं और फिर बोलते हैं चलो अच्छी बात है। तो मॉम डैड को बताया आपने? तो जो वेइंग लंजा होता है ना बोलता है कि गगा वो लोग आए नहीं हैं, मैं उनको अभी फ़ोन में सरप्राइज़ देना नहीं चाहता हूँ, तो वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। तो लंच जैसन और वो बैठते हैं वहाँ पे, काफ़ी सारी बातें और भी बहुत सारी बातें करते हैं जो भी, मतलब लंच जैसन को भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो भी करते हैं, और वेइंग भी सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से समझाता है, क्योंकि वो अपने फैमिली मतलब बोलने से यही एक पर्सन है जिसको वो जेन्युइनली दिल से मानता है। फिर वो लंच जैसन से बातें बातें करता है, उसके बाद ना वेइंग जो लंजा जो है ना वो बता देता है कि गगा मतलब जो वेइंग है वो एक आर्टिस्ट है, प्लस वो ग्याव कॉरपोरेशन का ओनर भी है। और ये सुन के मतलब जो होते हैं ना लंजा जैसन और ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उसे इतना पता होता है कि वेइंग जो है ना वेल ऑफ फैमिली से था पहले, पर उसके मॉम डैड का डेथ थी, मतलब ये पूरा उस ज़माने में काफ़ी फेमस बात होती है। ऊपर से लंजा जैसन जो है ना थोड़ा सा बड़े हैं लंजन से, तो उन्हें सब कुछ पता भी होता है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सरप्राइज होते हैं। पर वो मतलब होता है ना लंजा के लिए खुश भी होते हैं कि चलो ठीक है, मतलब लंजा को एक अच्छा पार्टनर मिल गया है। और साथ में लंजा उनको ये भी बताता है कि ये जो कैफ़े है ना मैंने खरीद लिया है, तो मतलब उसके बारे में सब कुछ बताता है कि वो कैफ़े खरीद लिया उसने, उसके लिए जो फाइनेंशियल हेल्प है उसको वेंग ने किया है, और मतलब ये उसको मॉडिफाई करना चाहता है, बल्कि वो लोग काफ़ी समय 1-2 घंटे तक बातें करते हैं, तब तक वो जो होता है ना खाना भी आ गया होता है, वो लोग खा सारे खाने को भी ना अभी खाना टेस्ट भी करते हैं और लंच जचन भी खाते हैं, और अपना जो है ना अपनी जो व्यूज़ हैं वो भी बताते हैं कि उनको कैसा रिव्यू में कैसा लगा, कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सी चीज़ चेंज करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद बैठते हैं, जब खाना वाना खा लेते हैं फिर जो वेटर आता है उसको पे भी करते हैं और टिप भी देते हैं। तभी जो वेटर होता है ना मना कर देते हैं, बोले सर हमारे यहाँ पे टिप सिस्टम अलाउड नहीं है, तो मतलब होता है ना आपके लिए थैंक यू है पर आपको ये ज़रूरत नहीं है, बोल के वो सारे चेंज को वापस ला के दे देता है। और ये जो है ना विंग को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करता है, क्योंकि उसे तो पता है कि जो एक्टर हैं, जो फेमस एक्टर थे जिनका ये कैफ़े था ना, वो काफ़ी मतलब अच्छे पर्सन है, वेल नोन पर्सन है, मतलब एज ए ना पर्सनैलिटी पे वो जाने जाते हैं अपने अच्छे पर्सन की वजह से, तो उनको इतना तो पता होता है कि उनका कोई बिजनेस होगा इतना करप्टेड नहीं होगा, पर मतलब इतना अच्छा सब सिस्टम है तो उनको ये सोच के भी दुख लगता है ना कि लास्ट में मतलब किसी और की गलती की वजह से उनको अपना कैफे भी बेचना पड़ा। तो उन्हें उससे मतलब अच्छा ये लगता है एज ए बिजनेसमैन कि उसे एक अच्छा प्रॉफिटेबल डील मिल गया है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी तो मिल जाती है, अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है, पर अच्छे लोग और स्पेशली जो जो स्टाफ होते हैं जो उस मतलब उस प्रॉपर्टी को या उस बिजनेस को अपना मान के अपने जैसा करते हों, और मतलब इतना कुछ होने के बाद अभी तो ओनर भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, उसके बाद भी वो इतना मतलब होता है ना अपने जो रूल्स हैं वो सब अच्छे से जो है वो सब फॉलो कर रहे हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लंच जैसन के साथ जाता है और जाके ना मैनेजर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि बोलता है कि मैं लंजा हूँ और मैंने इस कैफ़े को ख़रीद लिया है, बोल के अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। और फिर मतलब उससे बातें बातें करने लगता है, तब तक जो है ना लॉयर का भी कॉल आ गया होता है, वो मतलब आने वाला होता है, तो वेइंग बताता है कि मैं ऑलरेडी हूँ आप आ जाइए। तो मैनेजर से बातें करता है, 5-10 मिनट के अंदर ना उसका लॉयर भी आ जाता है, उसका जो मीटिंग का स्केड्यूल टाइम होता है ना वो ऑलरेडी हो गया होता है। फिर लॉयर आता है, वो अपना सारा जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना वो मैनेजर को दिखाता है, वेरीफाई करता है, और उसके बाद जो वेइंग है ना मतलब मैनेजर के सॉरी लंजा जो है ना मैनेजर के साथ जाके सारे स्टाफ से शेफ़ वगैरह सबसे बातें बातें करता है, मीटिंग होती है वहाँ पे, और मतलब कैफ़े को थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया होता है। तो 1-2 घंटा मीटिंग वगैरह चलता है, वो सारे जो शेफ़्स वगैरह होते हैं उनसे बातें करता है, मतलब उसको बहुत कुछ अच्छा लगता है, जो चीज़ उसको मॉडिफाई भी करनी होती है वो बैल के आपस में डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। और जो है ना उसका मतलब साथ में जो मैनेजर है वो फैक्ट्री के बारे में बताता है कि जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं मतलब वो उनका भी मैनेजर यही है, पर है कि फैक्ट्री का और भी स्टाफ हैं और भी हैं जो सबॉर्डिनेट्स वो फैक्ट्री में ही है। तो विंग डिसाइड कर लंजा डिसाइड करता है कि वो जो लान जयचन है उनके साथ और अपने लॉयर के साथ जाएगा, उनसे मिलेगा, और साथ में मैनेजर जो होते हैं ना वो भी जो है अपना जो मैनेजिंग का ड्यूटी है वो किसी और स्टाफ को दे के वो भी साथ में जाते हैं। जब वो फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो देखते हैं फैक्ट्री में ना जो मशीन वगैरह है काफ़ी सब बहुत ही अच्छा है, बस ये है कि सब ये लोग ना नेचुरली बनाने का कोशिश करते हैं, जो आजकल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, सपोज जैसे कि वो लोग सेजवान चटनी बना के बेच रहे हैं या किमची बना के बेच रहे हैं, जो भी चीज़ें वो लोग बना के बेचते हैं ना रेडीमेड फूड जो होते हैं वो सब
वो सब जो है ना मतलब एकदम नेचुरल तरीके से रखा गया है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स जो आर्टिफिशियल होते हैं ना वो सब नहीं डाले जाते हैं, बिल्कुल जो ऑथेंटिक चाइनीज होता है ना वैसे टाइप का डिशेस होता है। तो मतलब ये इसके वजह से क्या होता है ना, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है कम्पेयरटिवली मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं उससे इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ना इनका सेल्स बहुत कम होते हैं। तो इसलिए इतना बड़ा फैक्ट्री का लेआउट है और सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद भी ना ये फैक्ट्री जो है काफ़ी घाटे में लॉस में चल रहा होता है। और इसके वजह से ही जो है ना जो स्टार हैं उन्होंने, जो स्टार सॉन्गलान है उन्होंने जो है ना अपने कैफ़े को और अपने फैक्ट्री को ना साथ में कॉम्बो में बेचा हुआ होता है, वरना ये फैक्ट्री मतलब सेल होना बहुत मुश्किल ही है। ऊपर से जो मशीनरी वगैरह होते हैं वो उस हिसाब से बनाए जाते हैं, मतलब उस हिसाब से ही होते हैं जिसमें नेचुरल जो होते हैं ना ऑथेंटिक जो प्रोसेस होता है वही वाला मेंटेन हो। और वेइंग को ये चीज़ पता होता है, जो होता है ना वेइंग जो है ना लंजा को ये बोलता भी है कि तुम इसको ऐसे ही रहने दो, बस इसके लिए तुम कुछ दूसरा प्रोसीडियर मतलब अपनाओ जैसे कि तुम्हारा सेल्स बढ़ जाए, लोगों की तरफ ना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता चले। तभी लंजा जो है ना वेइंग से डिस्कस कर रहा होता है प्रीवियस नाइट को, तो उसने बताया होता है कि वो चाहता है कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली जो सेजवान सॉस वगैरह हैं और जो चिली सॉस जो सॉसेस वगैरह हैं और जो फूड पैकेट वगैरह हैं रेडीमेड फूड जो है उनको ना वो मतलब ऑनलाइन सेल करना चाहता है। तो इसको ये सजेशन ना जो मतलब वेइंग है उसको भी बहुत अच्छा लगता है। लंजा जो ना वेइंग से मतलब सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि वेइंग जब एक बिजनेसमैन है उसे पता है छोटी छोटी बारीकियाँ भी पता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसको मतलब होता है ना ऑनलाइन भी बेचेंगे, ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह बात करते हैं। और वेइंग जो है ना ऑलरेडी फ़ोन करके बता भी दिया होता है कि कहाँ से इसको क्या हेल्प करना है, तो लंजा को इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो आज जब फैक्ट्री में आते हैं वो वहाँ पे भी सबसे मिलता उलता है, सब कुछ बातचीत वगैरह होती है, फिर वो अपना आइडिया जो है ना वहाँ के मैनेजर और जो जो पूरे दोनों रेस्टोरेंट और फैक्ट्री दोनों को मैनेज करते हैं, दोनों के मैनेजर सबसे मीटिंग वगैरह करता है, सबको अपना प्रपोजल वगैरह बताता है। और मतलब उसकी बातें सुन के उसके बिजनेस के आइडिया सुन के जो मैनेजर होते हैं ना वो भी सरप्राइज हो जाते हैं, उनको तो लगता है कि कोई रिच पर्सन है उसने ऐसे ही खरीद लिया है उसके रेस्टोरेंट को। पर जो विंग मतलब सॉरी जो लंजा जो है ना लंजा की वो अंदर की सारी बातें सुनते हैं और उससे मतलब डील करते हैं, उसके जो होते हैं ना आगे का फ्यूचर प्लान सुनते हैं, तो वो खुद भी बहुत सरप्राइज होते हैं और मतलब उन्हें थोड़ा होप नज़र आता है। और जो फैक्ट्री के मैनेजर होते हैं ना उन्हें भी थोड़ा होप नज़र आता है, क्योंकि वो फैक्ट्री के मैनेजर ने ना अपना बहुत सारा मतलब एज जो है ना इसी फैक्ट्री में गुजारा है, क्योंकि जो एक्टर सॉन्गलान है वो उनके फादर के ज़माने से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। कैफ़े तो बाद में खोला गया था, ये फैक्ट्री ओरिजिनली बहुत पहले से ही थी। अगर जो फिल्म एक्टर सॉन्गलान है उनको अगर इतना बड़ा मतलब होता ना नहीं होता तो उस वो मतलब ये इसको बेचते ही नहीं, क्योंकि ये उनका बोल सकते हैं पुश्तैनी टाइप का है, फैमिली जो है ना फैमिली बिजनेस टाइप का है, और इसीलिए उन्होंने इसको चेंज भी नहीं किया होता है। वो मॉडर्न पर्सन है, उन्हें पता है क्या चीज़ें चलती हैं नहीं चलती हैं, पर उन्होंने ना अपना जो ऑथेंटिक तरीका ना उसको चेंज नहीं किया होता, क्योंकि उनके फादर का एक एंसेस्ट्रल बिजनेस टाइप का है। तो वो लोग अपना बिजनेस मीटिंग वगैरह फाइनलाइज करते हैं और भी जो स्टाफ जो भी होते हैं ना उन सबसे मिलते हैं और अपना आइडियाज़ वगैरह बताते हैं, और कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह होता है ना तो उसके लिए उन्होंने अपना जो लान जैजन गगन है उससे भी हेल्प मांगा होता है, तो लान जैजन भी ना इसमें हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे जो लंजा है उसके और भी काम है, वो मतलब मेनली इसमें ही नहीं रह सकता, ऊपर से लान जो हुआ या लान जैजन है ना वो खुद अपना भी छोटा सा बिजनेस है उसको भी संभालते हैं, तो उनको आइडियाज़ भी होते हैं। तो बोल के वो लोग मतलब शाम तक सारी मीटिंग वगैरह करते हैं, और थैंकफुली उसके गगा उसके पास होते हैं ना तो उसको इतना वेइंग का भी हेल्प का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो ना मतलब फैक्ट्री और कैफ़े दोनों को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। और जो रात को वो मतलब होता है ना शाम को वो आर्किटेक्ट से मीटिंग करते हैं डिज़ाइन वगैरह अप्रूव करके ना, मतलब विद इन अ डे ना वो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने आगे कर ली होती है। और लंजा खुद भी सरप्राइज होता है कि विंग के हेल्प की वजह से ना जितना वो परेशान हो रहा था उससे कुछ परेशानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो सारी चीज़ें ना बहुत ईजीली रिजॉल्व हो जाती हैं। बस एक जो लॉयर है उन्होंने एक फ़ोन कॉल किया, आर्किटेक्ट आ गया, और मतलब जो भी कुछ था सब कुछ हो गया, यहाँ तक कि जो वेबसाइट उनका मेंटेन करेगा वो स्टाफ जो होते ना वो भी आ गया, और मतलब सारा चीज़ हो गया, वो बहुत ही मतलब सेटिस्फाइड होता है। लंजा बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है कि आज उसका डे फ्रूटफुल रहा, मतलब जितना उसको टेंशन हो रहा था कि वो कैसे मैनेज करेगा, उसके दिमाग में आइडिया तो था पर होता ना ग्राउंड रियलिटी में जाके जितना मेहनत करना पड़ता है वो सारी चीज़ें ना बहुत ईजिली शॉर्ट आउट हो जाती हैं। और साथ में वो स्टाफ जो होते हैं ना फैक्ट्री के स्टाफ और मतलब जो कैफे के स्टाफ होते हैं दोनों को ना मतलब दोनों टीम्स को वो एक एक हफ्ते का ना पेड लीव भी देता है।
तो पेड लीव पाके ना सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज के ज़माने में विदाउट ओनी कोई मतलब एनी कोई एनी वोकेशन मतलब उसको ऐसे पेड लीव मिल रहा है, वो भी 1 वीक का, तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। और मतलब जो होते हैं ना वो मतलब अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मतलब वो और मन लगा के काम करेंगे। और ये 1 वीक का वी जो होता है ना लीव क्यों दिया होता है, क्योंकि उसे जो है ना 1 वीक के अंदर ही सारा रिडेकोरेशन वगैरह करना होगा, और जो भी कैफ़े में है ना सब कुछ हो जाएगा, और फैक्ट्री का भी उसे कुछ कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग लाइन जैसे बहुत सारी चीज़ चेंज करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें चेंज करने के लिए बोल देता है। साथ में जो लॉयर होते हैं तो फाइनेंशियल हेल्प जो होता है ना वो मतलब डायरेक्ट लॉयर से कॉन्टेक्ट करके पैसा वगैरह साइन करवा सकते हैं, तो उसका वो टेंशन नहीं होता है। तो वो मतलब ऑलमोस्ट 7 बजते बजते ना सारी मतलब जो होते हैं ना प्रोसीडियर्स कंप्लीट कर लेता है। अब वो सोच ही रहा होता है कि मतलब घर जाए है ना, तो अपनी कार की तरफ जाता है, तो जो लन वन होते हैं ना वो अपने कार लेके आए होते हैं, तो वो मतलब चले जाते हैं, वो उनको मतलब ऑफर भी करते हैं कि चलो गगर साथ में रिटर्न कर लेंगे, आप वहीं लंजा से भी मिल लेना मतलब वहींग से भी मिल लेना। पर लन वन को कुछ काम होता है, उनके फादर जो है ना उनका कॉल भी आ गया होता है, तो इसलिए वो बोलते हैं कि मैं किसी और दिन मिलूँगा। तभी जो वहींग बोलते हैं ना लंजा बोलते हैं ना कि मैं लेके आ जाऊँगा वहींग को आपसे मिलाने के लिए और अंकल से मिलाने के लिए। तो लनवल भी बोलते हैं कि ठीक है अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स इस पार्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आई होप आप सबको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, कमेंट करना। एंड अगर आप लोग को रेगुलरली मेरे चैनल सुनने का मन करता है या जो लोग सुनते हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और सब्सक्राइब करने के बाद ना ऊपर जो बेल में ऊपर बेल का आइकन होता है उसमें जो ऑल का नोटिफिकेशन होता है उसे भी ऑन कर देना, ताकि आप लोग को ना मेरे सारे जो अपडेट्स हैं या जो भी कुछ मैं कम्युनिटी वगैरह में पोस्ट डाल रही हूँ सारे के जो नोटिफिकेशन है ना आप लोग को टाइमली मिलता रहे। ओके देन बाय, टेक केयर।